हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य फाइन होम्स में। तो आज हम आपको लेकर आए हैं सिरसी रोड की एक प्राइम लोकेशन पे, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं खूबसूरत सा विला जो कि लोकेटेड है वैशाली नगर एक्सटेंशन से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका एक इंट्रो। आपने जैसा कि इंट्रो में देखा होगा खूबसूरत सा ये विला है, तो चलिए अब हम डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इस विला के जस्ट बाहर आप देखेंगे आपको यहाँ पे 30 फीट वाइड रोड आपको यहाँ पे मिल रही है। इसी के साथ में आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी लोगों की बसावट है, काफ़ी घर बने हुए हैं, राइट। और इसी के साथ में अगर हम वाटर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे बिसलपुर वाटर सप्लाई है और यहाँ पे इस पूरी सोसाइटी का बोरवेल भी है। तो चलिए अब हम जल्दी से इस विला को अंदर से एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एंट्रेंस पे, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो आपका एंट्री डोर आपको मिल रहा है, काफ़ी ये हैवी डोर है और आयरन का ये डोर है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके अंदर। तो अंदर आते ही आप देखेंगे गाइस, ये है इस विला का पार्किंग एरिया, यानी कि इस विला का पोर्च एरिया। आप देखेंगे काफ़ी स्पेशियस आपको यहाँ पे पोर्च एरिया मिल रहा है। अगर इसके डायमेंशन की मैं बात करूँ तो 20 फीट लंबा ये पोर्च एरिया है और 9 फीट इसकी चौड़ाई है, यानी कि यहाँ पे आप आराम से 2 4-व्हीलर्स आपके आप पार कर सकते हैं। और ये इसी के साथ में आप देखेंगे साइड पे भी आपको 15 फीट का काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे आप 2 व्हीलर्स कितनी भी चाहें उतनी आप पार्क कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इस विला के अंदर। आप देखेंगे गाइस, फॉल सीलिंग भी काफ़ी यहाँ पे सुंदर है। और मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस, फ्रंट एलिवेशन में आप देखेंगे यहाँ पे ग्वालियर मिंट और ईटा गोल्ड का यहाँ पे स्टोन का यूज़ किया गया है। तो चलिए अब हम इस विला को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। इसी के साथ में हम देखेंगे, पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे आपको एक रूम मिलता है जो कि जिसे आप अपना ड्राइंग रूम बना सकते हैं और साथ ही या फिर आप चाहें तो इसे अपना ऑफिस भी बना सकते हैं। यहाँ देखेंगे यहाँ पे आपको इसकी सेपरेट एंट्री मिल रही है। तो चलिए हम इसके अंदर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा ड्राइंग रूम इस विला का। आप चाहें तो इसे ऑफिस भी बना सकते हैं। अगर इसके डायमेंशन की मैं बात करूं तो 11x15 के डायमेंशन में आपको ये रूम मिल रहा है। आप देखेंगे गाइस, काफ़ी सुंदर ये रूम आपको मिल रहा है। इसका फॉल सीलिंग आप देखेंगे अलग डिज़ाइन के साथ है। और मैं आपको बता देती हूँ कि इस विला में हर रूम में आपको एक अलग फॉल सीलिंग की डिज़ाइन मिलेगी। इसी के साथ आप देखेंगे यहाँ पे आपको टीवी पैनल जो मिल रहा है, एलईडी पैनल आप देखेंगे वुडन का है, फुल वुडन का है, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन। और साथ ही में यहाँ पे आपको एलईडी लाइट्स भी मिल रही है। इसी के साथ आप देखेंगे साइड में आपको जो वॉलपेपर मिल रहा है काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ में है। और नीचे फ्लोरिंग पे आप देखेंगे वुडन टेक्सचर में यहाँ पे आपको फ्लोर मिल रहा है। और इसी के साथ में यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए देखेंगे इस रूम में काफ़ी बड़ी आपको यहाँ पे विंडो मिल रही है। तो अब हम चलेंगे इसके अंदर। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे आपको डोर मिलता है लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में जाने के लिए। और इसी के साथ अगर आपको लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में डायरेक्ट एंट्री के लिए भी आपको वहाँ से डोर मिलता है। तो देखिए गाइस, ये है इसका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, सब फ्रंट गेट। और आप देखेंगे यहाँ से आपको आउटर स्टेयर्स मिल रही हैं, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए आपको बाहर से ही स्टेयर्स यहाँ पे मिल रही हैं। तो चलिए अब हम जल्दी से इस विला को अंदर से एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखेंगे आपको यहाँ पर भी एलईडी लाइट्स मिल रही हैं और जो फॉल सीलिंग है आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिक अच्छे डिज़ाइन के साथ में, अच्छे टेक्स्चर के साथ में है। फ्रेंड्स, ये है इस विला का लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन के साथ और काफ़ी प्यार से इस विला को बनाया गया है गाइस, आप देख सकते हैं। अगर इसके डायमेंशन की मैं बात करूं तो 15x21 के डायमेंशन में आपको ये लिविंग एंड डाइनिंग एरिया मिल रहा है।
आप देखेंगे साइड वॉल पे काफी अच्छा यहाँ पे आपको डिजाइन वर्क मिल रहा है विथ लाइट्स आप देखेंगे, और फॉल सीलिंग आप देखेंगे बहुत ही अच्छे डिजाइन के साथ में। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हर रूम में आपको एक अलग डिजाइन के साथ फॉल सीलिंग मिलेगा, और बीच में आपको ये लाइट भी मिल रही है। इसी के साथ में आपको यहाँ पे मिलता है एक टीवी पैनल, देखेंगे आप फुल आपको ये टीवी पैनल मिल रहा है जो कि फुल वुडन का है, और यहाँ पे आपको स्टोरेज के लिए भी जगह दे रखी है। और आप देखेंगे फॉल सीलिंग पे आपको एलईडी लाइट्स यहाँ पे मिल रही है। जस्ट फ्लोर की अगर हम बात करें तो फ्लोर पे आप देख सकते हैं काफी अच्छे टेक्सचर की टाइल्स का यहाँ पे यूज किया गया है। तो अब हम देख लेते हैं टीवी पैनल के जस्ट पास में आपको यहाँ पे एक वॉश बेसिन एरिया मिल रहा है, और साथ ही में यहाँ पर आपको स्टोरेज के लिए भी जगह है, और ऊपर भी आप देखेंगे ऊपर भी आपको स्टोरेज के लिए यहाँ पे कैबिनेट्स मिल रहे हैं। और वॉश बेसिन के पास में यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्पेस मिलता है जहाँ कुछ भी रख सकते हैं। तो अब हम चलेंगे हमारे लिविंग एरिया से जस्ट सामने हमारे किचन एरिया में। तो ये है हमारा इस विला का मॉड्यूलर किचन फ्रेंड्स, आप देखिए काफी खूबसूरत ये आपको किचन मिल रहा है, काफी स्पेशियस आपको किचन मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये जाली मिल रही है जिससे कि आपको ये ओपन किचन का आपको ये फील देता है। अगर इसके डायमेंशन की हम बात करें तो 8x15 के डायमेंशन में आपको ये किचन मिल रहा है, मॉड्यूलर किचन है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्ट क्लोजर के साथ में आपको यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, और यहाँ पे आपको वार्डरोब्स मिल रहे हैं, काफी सारे कैबिनेट्स हैं यहाँ पे, स्टोरेज की आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब हम देखेंगे, और इसी के साथ में आप देखेंगे फॉल सीलिंग में यहाँ पे आपको वॉलपेपर मिल रहा है, और यहाँ साइड में आपको काफी बड़ी विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए। तो अब हम जैसे ही किचन से बाहर आएंगे, किचन से बाहर रहते ही यहाँ पे आपको मिलेगा एक बेडरूम, तो चलिए हम बेडरूम देख लेते हैं। तो ये है इस विला का फर्स्ट बेडरूम। आप देखेंगे अगर इसके डायमेंशन की मैं बात करूं तो 12x15 के डायमेंशन में आपको ये बेडरूम मिल रहा है गाइस। आप देख सकते हैं इसका फॉल सीलिंग, आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग में यहाँ भी आपको एक वॉलपेपर दिया गया है और विद एलईडी लाइट्स हैं। इसी के साथ में आप देखेंगे साइड वॉल पे जो बहुत ही रॉयल वॉलपेपर आपको यहाँ पे मिल रहा है, और बहुत ही अच्छा वर्क इस पर किया गया है, बहुत ही अच्छा डिजाइन का ये वॉलपेपर आपको मिल रहा है। और साइड में हम देखेंगे कि यहाँ आपको फुल वुडन की वार्डरोब मिल रही है, स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी स्पेशियस ये वार्डरोब है। और इसी के पास में आपको यहाँ पे विंडो मिलती है, काफी अच्छा बड़ी साइज की विंडो है, वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ हम देखेंगे गाइस यहाँ पे इस रूम में आपको एक काफी स्पेशियस गैलरी भी मिलती है जो कि ओपन गैलरी है। आप देख सकते हैं सनलाइट और वेंटिलेशन का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सनलाइट और वेंटिलेशन का फुल सोर्स है। साथ ही में यहाँ आप अपना इसे वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं, और यहाँ आप आराम से बैठ भी सकते हैं राइट। अगर इसके डायमेंशन की मैं बात करूँ तो 8 फिट की आपको गैलरी मिलती है। तो अब हम देख लेते हैं इसका बाथरूम। तो इस रूम में जैसे ही आप यहाँ बाथरूम की तरफ आएंगे तो गाइस यहाँ पे आपको 6x6 के डायमेंशन में एक ड्रेसिंग एरिया मिलता है, और इसी के साथ में यहाँ आपको एक और फुल वार्डरोब मिल रही है गाइस। काफ़ी अच्छी वार्डरोब है और काफ़ी स्पेशियस है, आप देख सकते हैं। आप आराम से बाथरूम से बाहर आके यहाँ आप अपना चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको मिरर भी मिल रहा है, ये आपका ड्रेसिंग एरिया हो जाता है। और ड्रेसिंग एरिया के आगे जब हम आएंगे तो ये हमारा इस रूम का बाथरूम है। अगर इसके डायमेंशन की मैं बात करूं तो 6x8 के डायमेंशन में आपको ये बाथरूम मिल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही मॉडर्न लुक ये दे रहा है, और सेरा की फिटिंग्स यहाँ पे की गई है। तो अब हम चलते हैं हमारे लिविंग एरिया के बाथरूम। तो लिविंग एरिया में भी गाइस आपको एक बाथरूम मिलता है जिसके भी अगर हम डायमेंशन की बात करें तो 6x8 के डायमेंशन में आपको ये बाथरूम यहाँ पे मिल रहा है। तो
तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर, तो अब हम जल्दी से चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ से बाहर आते ही जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको आउटर स्टेयर्स मिल रही हैं, यानी कि अगर आप चाहें तो अपने विला में फर्स्ट फ्लोर को अगर आप किसी को रेंट पे देना चाहें तो आप आराम से किसी को रेंट पे भी दे सकते हैं। स्टेयर्स पे आप देखेंगे काफ़ी अच्छा स्पेस है, प्लस मार्बल्स का यहाँ पे यूज़ किया है। स्टेयर्स पे आप देखेंगे जो फॉल सीलिंग है काफ़ी अच्छा स्पेशियस है, और साथ ही में यहाँ पे वेंटिलेशन और सनलाइट का भी काफ़ी अच्छा सोर्स है। काफ़ी बड़ी विंडो यहाँ पे मिल रही है आपको, जहाँ से काफ़ी अच्छी सनलाइट यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर के लिविंग एरिया की तरफ। तो गाइज ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर का लिविंग एरिया आप देखेंगे। तो इसके अगर डायमेंशन की मैं बात करूं तो 15x21 के डायमेंशन में ये लिविंग एंड डाइनिंग एरिया आपको मिल रहा है। फ्लोर आप देख सकते हैं पूरे अच्छे टेक्सचर की टाइल्स के साथ में है, और साथ ही में आप फॉल सीलिंग देखेंगे यहाँ भी एक यूनिक और अच्छे डिज़ाइन के साथ में, प्लस यहाँ वॉलपेपर भी आपको मिल रहा है, और देखेंगे बीच में आपको एक बहुत ही अच्छा झूमर मिल रहा है, और साइड में आप देखेंगे यहाँ भी बहुत ही रॉयल लुक का वॉलपेपर यूज़ किया गया है, बहुत ही रॉयल लुक दे रहा है ये वॉलपेपर। और इसी के साथ में यहाँ आपको मिलता है आपका टीवी पैनल, ये भी पूरा वुडन का टीवी पैनल है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज में है, और स्टोरेज के लिए आपको यहाँ कैबिनेट मिल रहे हैं, साइड में भी आपको स्टोरेज के लिए यहाँ पे आप कुछ शोपीस भी सजा सकते हैं। और इसी के पास में आप देखेंगे गाइस यहाँ पे आपको मिलता है एक पूजा का मंदिर, देखेंगे बहुत ही सुंदर ये पूजा का मंदिर है, यहाँ पे स्टोरेज भी है, और इसी के जस्ट सामने है हमारा किचन। तो ये है हमारे फर्स्ट फ्लोर का मॉड्यूलर किचन, जैसा कि हमने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे देखा था सेम उसी तरीके से ये भी सेम उसी डायमेंशन में बना है, 8x15 के डायमेंशन में। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत हमारा किचन है, और इस किचन से बाहर आते ही जस्ट इसके पास में हमारे को मिलता है एक बेडरूम। तो ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम, देखेंगे आप साइड वॉल पे काफ़ी अच्छा वॉलपेपर आपको मिल रहा है, और साइड में आपको लाइट्स भी मिल रही है। फॉल सीलिंग आप देखेंगे यहाँ भी एक अलग डिज़ाइन में और अलग वॉलपेपर के साथ में आपको फॉल सीलिंग मिल रही है, प्लस LED लाइट्स, और साइड में आप देखेंगे यहाँ वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो मिल रही हैं, प्लस यहाँ आपको एक छोटी सी गैलरी भी मिलती है। तो अब हम चलते हैं इस रूम के बाथरूम की तरफ। जैसा कि हमने देखा था नीचे वाले रूम में, उसी तरह से यहाँ भी आपको 6x6 का एक ड्रेसिंग एरिया मिल रहा है, देख सकते हैं काफ़ी बड़ी आपको फुल वुडन के वार्डरोब मिल रही है, काफ़ी स्पेशियस है, और यहाँ पे आपको मिरर मिल रहा है। और ये है हमारा बाथरूम, 6x8 के डायमेंशन में हमारे को बाथरूम मिल रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी मॉडल डिज़ाइन के साथ में है, जैसा कि मैंने बताया था सहरा के फिटिंग्स हैं यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। लिविंग एरिया से जस्ट सामने हम चलेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक वॉश बेसिन भी मिल रहा है, प्लस यहीं पे आपको एक लिविंग एरिया का बाथरूम भी मिल रहा है। देखेंगे गाइस इस बाथरूम के अंदर दो डोर्स हैं, जो कि एक डोर आपका लिविंग एरिया से ओपन होता है, और इसी में दूसरा डोर है जो कि यहाँ जो सेकंड बेडरूम है उसमें ओपन होता है। अगर इस बाथरूम के डायमेंशन की बात करें तो 6x8 के डायमेंशन में ये बाथरूम आपको मिल रहा है, राइट। तो यहाँ से निकल के हम आएंगे, ये हमारा सेकेंड बेडरूम है। अगर इसके डायमेंशन की मैं बात करूँ तो 11x15 के डायमेंशन में आपको ये बेडरूम मिल रहा है। देखेंगे आप इसके फॉल सीलिंग के ऊपर काफ़ी अच्छा वॉलपेपर, आपको काफ़ी अच्छे टेक्सचर का वॉलपेपर यहाँ पे दिख रहा है, और इसी के साथ में यहाँ आपको दो वार्डरोब मिल रही है गाइज, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस ये वुडन की वार्डरोब्स हैं, आप देख सकते हैं, और वार्डरोब्स के ऊपर भी आपको यहाँ पे एक जगह दी हुई है जहाँ पे आप अपना कुछ स्टोर कर सकते हैं। और साथ ही में इस रूम में आपको मिलती है बालकनी,
देखिए 6 फीट की बालकनी आपको मिल रही है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पूरी बालकनी पे यहाँ पे टाइल्स का वर्क है और यहाँ पे आपको एक टैब भी दिया हुआ है, आप वॉशिंग एरिया भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ से इस विला का आप देखेंगे फ्रंट व्यू आपको दिखता है, शाम को आके आप अपनी चाय कॉफ़ी यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। तो ये था हमारा खूबसूरत विला गाइस, जो कि आपने देखा बहुत ही प्यार से इस विला को बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्पेशियस से विला है। अगर इसके डायमेंशन की मैं बात करूँ तो 21 का इसका फ्रंट है और 80 की इसकी डेप्थ है। 21 का फ्रंट मिलना बहुत आसान नहीं होता है गाइस, तो बहुत ही अच्छे स्पेस के साथ में इस विला को बनाया गया है। इसी के साथ में आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप किस लोकेशन में अपने सपनों का घर देख रहे हैं। इसी के साथ में इस विला की और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहाँ पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसकी जो करंट लोकेशन है प्लस इसके HD फोटोज़ और इसका फ्लोर प्लान आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज। तो थैंक यू सो मच।